तो दोस्तों ऑल सरकारी योजना यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ किस तरह से आप अपने आधार कार्ड को अपने मोबाइल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है दोस्तों मैं आपको पूरी जानकारी जो है स्टेप बाय स्टेप देने वाला हूँ, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें ताकि आप भी इसके बारे में पता चल जाए। तो आधार कार्ड जो है आप अपने मोबाइल से डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए जो है आपको कुछ स्टेप्स जो है फॉलो करने होंगे जो मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को देखते रहें, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को देखते देखते ही इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको नीचे एक लाल कलर का बटन दिखाई देगा, आपको उस पर भी क्लिक कर देना है, और उसके बराबर में आपको एक घंटे का निशान मिलेगा, आपको घंटे पर भी क्लिक कर देना है, जिससे हम जितनी भी वीडियोस अपलोड करें उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। तो आइए दोस्तों जानते हैं किस तरह से आप अपने आधार कार्ड को अपने मोबाइल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना होगा। तो यहाँ पर जो है मैंने भी अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लिया है। अब जैसे ही आप अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र को यहाँ पर ओपन कर लेते हैं, इसके बाद आपको यहाँ पर आधार कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट को डाल लेना है। तो यहाँ पर आधार कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है uidai.gov.in। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हम इसे यहाँ पर सर्च कर लेते हैं। अब जैसे ही हम यहाँ पर uidai.gov.in वेबसाइट को सर्च करेंगे तो आपको जो है कुछ इस तरह का यहाँ पर रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पर जो है आपको नीचे आना होगा। थोड़ा अभी ये वेबसाइट जो है थोड़ी जाम चलती है, तो इसको थोड़ा हमें फुल तरीके से जो है खुलने देना है। तो यहाँ पर हम इस वेबसाइट को जो है अभी खुलने देते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमारी जो ये वेबसाइट है ये ओपन हो चुकी है। अब हमें क्या करना होगा यहाँ पर अपने आधार कार्ड को डाउनलोड करने के लिए, तो आपसे आना होगा। जैसे ही आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई देगा आधार ऑनलाइन सर्विसेज। तो यहाँ पर आपको नीचे चौथे नंबर पर एक ऑप्शन मिल जाता है डाउनलोड आधार। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर डाउनलोड आधार पर जो है क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर मैं भी इस पर डाउनलोड आधार पर जो है क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही आप यहाँ पर डाउनलोड आधार पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो एक नया पेज ओपन होने के लिए यहाँ पर प्रोसेसिंग जो है चलने लगेगी। तो हमें जो है इस प्रोसेसिंग को इसी तरह से चलने देना है। ये जो है वेबसाइट थोड़ी देर में खुलती है, क्योंकि यहाँ पर जो है सर्वर इसका बहुत ज़्यादा जाम रहता है, क्योंकि बहुत से यूज़र जो है अपने आधार कार्ड डाउनलोड करते रहते हैं। ये साइट जो है बहुत ज़्यादा इसका सर्वर की दिक्कत रहती है, तो यहाँ पर अगर कभी कभी जो है ये वेबसाइट ओपन ना हो तो आप दोबारा से इसको ट्राई करते रहिएगा। तो यहाँ पर जो है हमारी वेबसाइट जो है अभी रिलोड हो रही है, तो इसको हमें ऐसे ही चलते रहने देना है। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमारा जो है यहाँ पर आधार कार्ड का ऑप्शन आ चुका है। अब आपको एक ध्यान देने वाली बात है, जैसे कि आप अपने आधार कार्ड को डाउनलोड कर लेते हैं तो आपका जो पासवर्ड पहले हुआ करता था वो आप अपने पिन कोड को डाला करते थे, तो वहाँ पर जो है आपका आधार कार्ड जो है आपका निकल जाया करता था। लेकिन अब क्या है, अब आपका जो आधार कार्ड कुछ अलग तरीके से निकलेगा। जैसे कि मान लीजिएगा आपके नाम के पहले के जो चार अक्षर होते हैं वो यहाँ पर डालने पड़ेंगे, और आपके जो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ होती है वो डेट ऑफ बर्थ आपको डालनी होगी, उसके बाद ही आपका आधार कार्ड जो है डाउनलोड होगा। तो हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं किस तरह से आपको अपना आधार कार्ड को यहाँ पर डाउनलोड करना है। अब यहाँ पर आपको जो है एक फॉर्म जो है यहाँ पर नीचे दिखाई देगा, तो आपको इस फॉर्म को सबसे पहले फिल करना है। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई देगा आई हैव आधार BID और इनरोलमेंट। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर अगर आपके पास आधार कार्ड का नंबर है तो यहाँ पर आप आई हैव के बाद यहाँ पर टिक लगा के जो है अपना आधार कार्ड को निकाल सकते हैं, या फिर अगर आपके पास एनरोलमेंट ID है तो यहाँ पर आप इस तरह से ही यहाँ पर टिक लगा लेने देना। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आधार पर टिक लगा देता हूँ। अब जैसे ही आप यहाँ पर आधार पर टिक लगाएंगे, आपको यहाँ पर जो है अपना आधार कार्ड नंबर जो है डाल देना है। इसके बाद यहाँ पर दूसरे ऑप्शन में जो है आपको यहाँ पर फुल नंबर नेम जो है आपको आपका डालना है। इसके बाद आपका सिटी का जो पिन कोड होता है वो यहाँ पर डालना है। इसके बाद यहाँ पर आपको एंटर सिक्योरिटी कोड, यानी कि ये जो आपको कैप्चा दिखाई दे रहा है ये यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको डू यू हैव OTP लिखा हुआ दिखाई देगा, आपको इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पर रिक्वेस्ट OTP पर क्लिक कर देना है। आप जैसे ही आपके मोबाइल पे जो है एक OTP कोड आएगा, तो उस OTP कोड को आपको यहाँ पर डालने के बाद जो है डाउनलोड आधार पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही ये प्रोसेस जो है आप कंप्लीट कर लेंगे, आपका आधार कार्ड जो है आपके मोबाइल में डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। अब आप बहुत ही आराम से अपना आधार कार्ड का जो है प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान सी एक तरीका था जो मैंने आपको बता दिया है किस तरह से आप अपने आधार कार्ड को जो है अपने मोबाइल से ही डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, इसको शेयर कर दें, ताकि मैं आप सभी के लिए ऐसी अच्छी अच्छी जानकारी लेकर आता रहूँ। तो आप हमारे चैनल ऑल सरकारी योजना को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आप सभी के लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाता रहूँ। आज की वीडियो में तो दोस्तों फिलहाल ही इतना ही, अगली वीडियो में फिर आपके लिए कुछ नया लेकर आता हूँ। धन्यवाद।